एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे मिनी ड्रिल चाक की। जो कोलेट टाइप का ड्रिल चाक आता है उसके बारे में अनबॉक्सिंग करेंगे उसका। एंड ये वाला जो ड्रिल कोलेट चाक आता है ये दोस्तों 555 का भी जैसा आता है, उसके साथ एक और अलग सा वर्सन आता है जो 775 मोटर को भी सूटेबल है। मतलब कि दोस्तों ज़्यादातर हम लोग की जानते हैं कि ये वाला जो ड्रिल चाक का मतलब कोलेट टाइप जो चाक आता है ऐसा, वो 555 मोटर के लिए आता है। थ्री एम एम जिसका शाफ्ट का डायमीटर है। उसके साथ दोस्तों इसका एक नया वर्सन भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ लॉन्च हुआ है, जो आपका 775 के लिए भी आता है, जो 5 mm का जिसका शाफ्ट होता है। तो चलिए आज इस ड्रिल कोलेट टाइप चक का पूरा बात करेंगे कि कैसा है क्या है इसका। दोस्तों बाकी का जो पैरामीटर है वो सेम होता है, लाइक स्पेस, इससे आप मैक्सिमम 3 mm तक ड्रिल कर सकते हो। मगर आप बस ये देखिए इसका जो ये देखा इसका जो होल है वो बहुत बड़ा साइज का है, जो इजीली फिट हो जाएगा इसके अंदर। एंड इसका कनेक्शन कैसे करना है उसके बारे में मैं बता दूंगा कि तो कैसा होता है पूरा। तो ये देखिए पहले तो ये रहा पूरा चीज़, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा स्क्रू को लूज़ करना पड़ेगा ताकि अटैच हो जाए पूरा, ठीक है। एंड इधर पे हम लोग तीनों ड्रिल बिट्स इसका ड्रिल करेंगे, लाइक 2 mm, 3 mm एंड आपका 2 mm, 3 mm एंड 2.5 mm से, ठीक है। एंड इसको प्रोसेस क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइक सपोज आपको ये वाला ड्रिल इसमें करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि इससे इसमें जो जो कोलेट है उससे इसका प्रॉपर साइज का कोलेट आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। लाइक देखिए इसमें ये पूरा ये देखिए इसमें प्रॉपर पूरा फिट हो रहा है एंड टाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए सूटेबल होगा। तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंसर्ट करिए पहले, उसके बाद ये वाला जो चीज़ है इसको ऊपर से इंसर्ट कर दीजिए, करके इसको ऐसे घुमाइए एंड घुमा के इसको कर दीजिए टाइट हाथों से। तो ये हो गया आपका रेडी 775 का ये ड्रिल कोलेट सेट, ठीक है। तो इससे हम लोग कुछ ड्रिल वगैरह करेंगे एंड करके आपको लोग दिखा देंगे कि कैसा है। तो अभी मैंने इस 12 वोल्ट का जो लेड एसिड वाला बैटरी है उसको कनेक्ट कर दिया है इस मीटर के साथ। तो आप इसमें से देख पा रहे हो अभी वोल्टेज है आपका 12.2 वोल्ट। इसका भी हम लोग कनेक्ट करेंगे मोटर के साथ एंड मोटर को रोटेट करना होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। एक हो गया, चलिए इजीली ड्रिल हो गया। तो अभी हम लोग इसको 2 mm को चेंज करेंगे, करके फिट करेंगे नेक्स्ट जो ड्रिल बिट है 3 mm का जो ड्रिल बिट आता है इसको फिट करेंगे। जैसे टाइट कर देते हैं, दो ड्रिल इजीली हो गया। तो इसको थोड़ा हाथ से थोड़ा ज़्यादा कस के टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो वाला जो रेड है उस पर जाएगा आपका रेड कलर का। कितना इजीली हो गया। तो आप लोगों ने शायद ड्रिलिंग के टाइम थोड़ा बहुत देखा कि इस पर जो करंट है वो अराउंड 3 एम्पीयर समटाइम 4 एम्पीयर तक भी चला गया था। तो इसके लिए मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग एडाप्टर यूज़ करेंगे तो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए 12 वोल्ट 5 एम्पीयर वाला एडाप्टर। एंड अगर आप बैटरी यूज़ करेंगे तो लेड एसिड वाला बैटरी या लिथियम आयन वाला कोई भी बैटरी आपका चलेगा, मगर बड़ा साइज का थोड़ा बैटरी यूज़ करना पड़ेगा। तो वीडियो बस इतना ही दोस्तों। इसके मैं यही बोलना चाहता था कि ये वाला जो कॉलेट डील है ये एक्चुअली तीनों मोटर के लिए ही आता है। लाइक आपका जो 2 mm का जो मोटर होता है, लाइक 365, 385, 382 वाला मोटर के लिए भी ड्रिल कोलेट का जो सेट है वो आता है। इसके बाद 555 मोटर के लिए भी ये सेट आता है एंड आपका 775 मोटर के लिए भी ये वाला सेट आता है। तो ये वाला सेट आपका तीनों मोटर के लिए ही मार्केट में मिलता है, या फिर आप मुझसे लेंगे तो मेरे पास से भी आपको
मिल जाएगा। तीनों मोटो के लिए ही 3 अलग टाइप का सेट मिलता है, हमारे इसका ड्रिलिंग कैपेसिटी 3 mm ही रहता है, वो 775 का ही हो या फिर 555 का ही हो, ड्रिलिंग कैपेसिटी आपका 3 mm का ही रहेगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है, एंड लाइक कर देना, जैसे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत जल्दी मिलेंगे नया एक्साइटिंग वीडियो के साथ।